वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे लास्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना। और जैसे पहले न्यूमेरिकल जो फर्स्ट से फोर्थ तक थे, ठीक है ना, वो सोल्व हो चुके थे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले जैसे फर्स्ट सेट था, ठीक है ना। और जैसे वही है, ये सेक्शन भी है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो मार्किंग स्कीम वाली चीजें आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हमें यहाँ पर केवल सोल्यूशन से मतलब है। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले क्या है कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड है किस पर, आर पर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। हम बेसिक की बात करेंगे, ठीक है ना। ए स्टार बी की कोई कंडीशन है, वो सबसे पहले क्या चेक करना कि वो बाइनरी है या फिर नहीं। इसी का नाम पता क्या होता है, इसी चीज का नाम होता है क्लोजर लॉ। अब ये चीजें आपको बेसिक है, पता होनी चाहिए। क्लोजर ला या फिर क्लोज्ड ला, मतलब इस वर्ड की जगह ये चेक करना बाइनरी और नोट, इसकी जगह ये भी पूछ सकता था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के अंदर एक ही मतलब है, ठीक है। तो मतलब बाइनरी है फिर या नहीं, तो इस यहीं से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या सोचना है कि बाइनरी की डेफिनेशन वो ये बताई थी कि एक टाइम पर, जैसे नाम में ही दो लिखा हुआ, बाई का मतलब होता है दो, मतलब एक टाइम पर आपने दो एलिमेंट उठाने, कहां से, सेट में से उठा लिए, सही है। और हमें क्या चीज चेक करनी होती है कि जो भी इन दो दो एलिमेंटों पर ऑपरेशन अप्लाई हुआ हो, उस चीज का रिजल्ट, उस चीज का रिजल्ट उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तो बाइनरी है। सीधी सी तो ये बात है, सही है। तो मतलब जो भी रिजल्ट हो, मतलब ए बी प्लस वन, मतलब इस चीज का सारे का रिजल्ट आर के अंदर आना चाहिए, ये है टारगेट। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको रिवर्स करके सोचो, जिसको ये रिवर्स करने का तरीका पता है ना मैथ्स के अंदर, उसके लिए तो कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल। जैसे किस तरीके से हमें इस चीज का सॉल्यूशन, मतलब वो आर के अंदर है फिर या फिर नहीं। अब देखो ए बी क्या थी, आर के अंदर। अब रियल नंबर होते कितने हैं, इनफाइनाइट होते हैं, देख लो। रियल नंबर लाइन बीच में जीरो, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉइंट है। अब हमें, अब बताओ किस तरीके सोल्व करोगे फिर। तो इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, क्या कि रिवर्स सोच लो, मतलब रियल नंबर को तंग कौन करता है, ये केस डिस्कस हो चुके हैं पहले से। रियल नंबर को तंग कौन करेगा, दो केस की बात हुई थी, कौन सी, कि एक तो डिवाइड में जीरो ना हो ऊपर कोई भी नंबर, एक तो ये केस नहीं होना चाहिए, सही है। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो, ठीक है ना। मतलब इसका नाम होता है उल्टा, मतलब वही है इमेजिनरी पार्ट, या फिर कह दो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात, सही है। तो इस तरीके, मतलब ये दो केस नहीं होने चाहिए। अब देखो क्या दो केस आ सकते हैं, देखो सबसे पहले पहला केस की डिवाइड में जीरो ना हो। डिवाइड में जीरो कब होगा, जब हम पुट कर सकते या फिर पहले से गिवन होता, डिवाइड में लिखा हुआ है वन, तो पहला केस गया। वन की जगह थोड़ी ना कि आप वैल्यू पुट कर दे, मान लो कि हम किसी तरीके से यहां पर वैल्यू पुट कर देते, इस चीज का ये मतलब हुआ, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां पर नीचे ए गिवन होता, ए की वैल्यू आर के अंदर है और जीरो भी रियल नंबर है, तो जीरो आ सकता था, लेकिन यहां पर वन है, तो पहला केस गया, सही है। दूसरा केस स्क्वेयर रूट, अब स्क्वेयर रूट है ही नहीं, इस चीज का मतलब यहां पर पावर वन है सारी की, स्क्वेयर रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू। तो इस तरीके, मतलब दोनों केस तंग नहीं करेंगे तो ये बाइनरी है, बस इसी चीज को मिला के लिखना अपने, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम जैसे सॉल्यूशन, जैसे लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल को सोल्व किए थे, ठीक है ना, अच्छी तरीके सॉल्यूशन वो आप लिख लेना, ठीक है ना। पैटर्न क्या होता है वो आप लास्ट पार्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस कहने का ये मतलब, यहां पर हम केवल यहां पर इंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके, मतलब ये बाइनरी क्यों होगा, सही है। एक तरीके से सॉल्यूशन ये आपने अच्छी तरीके से तो लिखना इन बातों को, कि रियल नंबर को ये दो तंग करते हैं, लिख देना बीच में कि वी नो दैट, जिस भी तरीके से आप इस लाइन को जोड़ सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब ये दो केस तंग करेंगे, यहां पर दोनों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो बस, तो इसका रिजल्ट आर के अंदर होगा तो बाइनरी है। इसके बाद सेकेंड केस क्या है, अगर बाइनरी है तो। अब देखो मैथ्स में एक बात याद रखना, अगर कोई भी वर्ड लिखा है उसका कोई ना कोई मतलब होता है, इस बात का मतलब, यहां पर ये चीज लिखी ही क्यों, थोड़ा सोच के देखो। डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता था कि इज इट एसोसिएटिव और नोट, लिख देता, लेकिन पहले ये क्यों लिखा। अब इसके लिए एक बात डिस्कस हुई थी कि जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बाइनरी ऑपरेशन की, वहां पर पहली प्रॉपर्टी ये होती है क्लोज्ड लॉ की, ठीक है, मतलब क्लोज्ड लॉ पहली प्रॉपर्टी होती है उस चीज की, बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई थी, ठीक है।
तो इस बात का ये मतलब, जो ये एसोसिएटिव है वो भी तो एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना, मतलब पैटर्न भी काम का यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, जो सेकंड और थर्ड है उनमें कोई बात नहीं होती, मतलब थर्ड मतलब कोमुटेटिव, मतलब इनको आप दोनों को मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोमुटेटिव और एसोसिएटिव, किसी को दूसरा किसी को तीसरा, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो फोर्थ है, ठीक है ना, फोर्थ क्या होती है प्रॉपर्टी, इनवर्स की, वो फिर से काम की रहती है, ठीक है ना। लेकिन चलो उससे पहले एक ये प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है ना, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, मतलब ये सेकंड थर्ड और फोर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी पैटर्न हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की, कब निकलती है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन भी बताया था आपको क्यों करता है, ठीक है ना, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर केवल इंट की बात होगी, तो इस चीज का ये मतलब उसने ये चीज लिखी क्यों, इस बात का मतलब पता है कि अब जैसे क्वेश्चन पेपर आपने देखा, मतलब जब वो 15 मिनट वाली बात हुई थी लास्ट पार्ट में, ठीक है ना, कि आपके पास 15 मिनट है, उसके अंदर एक चीज ये भी तो आपने तो केवल सोचना है, उस चीज में एक ये नहीं सोच सकते कि जिसने ये एग्जाम सेट किया उसके भी तो कोई माइंड में वही है, कुछ ना कुछ रहा होगा, मतलब आप ये उसके हिसाब से नहीं सोच सकते कि क्या किस टाइप के न्यूमेरिकल आने हैं, बेसिक चीजें रिपीट होनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके मतलब वही है कि किसी भी चीज को समझने है तो यही तरीका कि दूसरे दूसरी साइड से लेके चल पड़ो, या फिर कह दो मैथ्स में वो होता है कि टारगेट, ठीक है ना, मतलब कहाँ पर जाना, में क्या कहाँ से सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मतलब ये चीज लिखी ही क्यों, इसका भी एक मतलब था, वो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कि एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव के लिए डायरेक्ट आपको एक ये लाइन बताई थी कि एसोसिएटिव में तीन आ जाएंगे, तो ए बी सी ले लिए, ठीक है ना, तीनों पर स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और किस तरीके से, यहां पर हमें केवल एसोसिएटिव में क्या होता है कि केवल रिजल्ट बराबर चेक करना होता है, केवल ये चीज, सही है। तो इस चीज का मतलब हुआ जैसे कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये नहीं कि कौन सी लेफ्ट हैंड साइड होगी कौन सी राइट हैंड साइड, एक ही चीज है, ठीक है ना। और ये एक टाइम पर केवल आप दो चीजों को ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी ऑपरेटर हो केवल दो ऑपरेंड को सोल्व कर सकते हो, ये बेसिक चीज भी है। जैसे ये बताता, जैसे मान लो ये तीन नंबर हो, इनको ऐड करना हो, ये थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट 10 कह दोगे, पहले आपने किसी दो को ऐड किया होगा, उसके रिजल्ट में तीसरे को ऐड किया होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। मतलब यहां पर प्लस तो केवल एक ऑपरेटर है, मतलब एक टाइम पर दो ही चीजें सोल्व होती हैं, तो इस वजह से पता होना चाहिए इसका नाम भी बाइनरी ही क्यों रखा गया, मतलब इस यहां तक भी पहुंच सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके केवल इसके रिजल्ट को मतलब चेक करना हमने कि बराबर आ रहा है या फिर नहीं, कर लो कैलकुलेट, ए स्टार बी लिखा हुआ, ए बी प्लस वन लिख दिया, सही है, स्टार सी एज इट इज, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्टार एज इट इज, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट हो चुकी बी स्टार सी। अब इसके लिए कि ये बात बताई थी कि आपको ए स्टार बी पढ़ना आना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में हमें केवल ए बी से मतलब, ए बी क्यों, ये स्टार ऑपरेशन का पहला एलिमेंट, ये दूसरा, इस वजह से, ठीक है ना। ए बी ना कहो, मान लो कई बार 2A लिखा हो तो मतलब कुछ अलग चीज, फिर कह दो 2A और बी से मतलब है, ठीक है ना, ये भी काम की चीज है। कई बार क्या होता, मान लो 2A लिखा होता फिर भी आप कहते कि हम ए बी से मतलब, वो चीज गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज इस तरीके से, ठीक है। तो बस मतलब ये कह दो कि ए की जगह मतलब पहले पहले एलिमेंट में ए की जगह बी लिखना है और बी की जगह सी लिखना राइट हैंड साइड के अंदर, तो ए की जगह बी, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेट करना है, और दूसरे की जगह सी, और बाकी चीजें एज इट इज, हमें केवल इन दो वर्डों से मतलब है, जो बाकी चीज लिखी हुई इनसे कोई मतलब नहीं है, एज इट इज आएंगी, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से आगे कैलकुलेट करना है, मतलब इस स्टार ऑपरेशन का ये पहला एलिमेंट है ये दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा, तो वही यहां पर कि पहले और दूसरे की जैसे ये भी कह दो कि दोनों ही मल्टीप्लाई है, फिर ऐड करना है, तो यहां पर डायरेक्ट कर दें दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, ए बी प्लस वन की सी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो चलो ए बी सी आ जाएगा, फिर वन की सी के साथ और प्लस का वन ये वाला वो कैलकुलेशन है, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी दोनों की, जैसे ए इंटू बी लिखा था, ये बी है ये कह दो, जिसको ये बी पढ़ना आता है फिर वही है कि उसका बेसिक क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो दोनों ही मल्टीप्लाई, तो एक बार इसके साथ होगी ए बी सी, और एक बार ए की वन के साथ है, और ये प्लस वाला प्लस वन ये है, ठीक है ना। देख लो ए बी सी, ए बी सी वन और वन, लेकिन सी और ए अलग अलग है, तो अलग अलग है तो बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे तो एसोसिएटिव नहीं है, लिख देना आप अच्छी तरीके से। ये ए बी सी होंगे कहां से,
आर के अंदर से ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है ना। मतलब ये बात बताई थी कि जो ए बी सी है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारे के सारे उसी सेट के अंदर से होते हैं, मतलब उसी सेट के एलिमेंट है जिस भी सेट की बात हो रही है न्यूमेरिकल के अंदर, देख लो आर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन पर, ठीक है। कब, जब यहां पर बी और सी लिख रखी है दो मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया हम किस तरीके से, जैसे केवल रिजल्ट निकालना आपने, जैसे तो जैसे किस तरीके से जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, मतलब सेवंथ न्यूमेरिकल का, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप लिख देना गिवन रिजल्ट जो जो है, ठीक है ना, मतलब एक तो सबसे पहले जो जो लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे 2a माइनस जो भी रिजल्ट हो 3b प्लस, इस तरीके से उसके बाद b और दो यहां पर मैट्रिक्स गिवन है, b और c डिफाइंड है यहां पर, ठीक है ना, लिख लो उनके रिजल्ट। तो जैसे यहां पर माइनस टू है, मतलब हमें इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं होता, मतलब ये तो रिजल्ट लिख रखे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो किस तरीके से केवल टारगेट पता होना चाहिए, a निकालनी है तो लिख लो यहीं से, मतलब इसके बाद, ठीक है ना, डायरेक्ट लाइन। तो 2 इंटू ए एज इट इज रख लो, माइनस माइनस 3 की इंटू बी कर दे, मतलब माइनस 3 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे बी के साथ, तो मतलब रिजल्ट निकाल लो आप। चलो माइनस एज इट इज रख लिया, मतलब 3 की, मतलब किसी कॉन्स्टेंट की किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होती है हमें पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट के साथ होती है, ये टारगेट है बस। तो 3 की वो आपकी चॉइस है, चलो माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब प्लस ये रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो माइनस 3 की हर एलिमेंट के साथ, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6 कैलकुलेशन है, माइनस 3 की एक बार 2 के साथ एक बार 0 के साथ, ठीक है, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4, इस तरीके से रिजल्ट लिखना अपने, ठीक है ना। फिर प्लस का 5 इंटू सी, 5 की मल्टीप्लाई कर दी हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो 5 इंटू सी तो मतलब 5 इंटू 2 होगा, एक बार 5 इंटू 7, ठीक है ना, 5 इंटू 0 फिर 5 इंटू 1, ठीक है, 5 मतलब कैलकुलेशन करनी है, लिख लो आप इस तरीके से, सही है। राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है। तो बस अब इसके बाद आपकी चॉइस रह जाती है किस तरीके से। नॉर्मली हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते, कर लो आप लेट, ठीक है ना, मतलब यहां पर बीच में लिख देना कि हमने ए मैट्रिक्स लेट कर ली कुछ इस तरीके की, जिसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, जिसके अंदर रो तो दो होंगी, कॉलम 3। अब ये बात जिसको पता ना बस वही है बेसिक, ये क्यों आई, क्योंकि ये थी 2x3 की, 2x3 का मतलब दो रो है, रो होती है लेफ्ट से राइट ओरिजोनटल और कॉलम ऊपर से नीचे, बेसिक चीजें बताई थी, 3 कॉलम है। तो इस तरीके से बात यहां पर 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब 6 एलिमेंट आ जाएंगे, मान लो आप आपकी चॉइस है किस तरीके से उनके नाम रख रहे हो, ए बी सी डी एफ, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बी यहीं पर क्यों लिखा, आपकी चॉइस है, जो भी मतलब वर्ड अच्छे लगते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें पता होना चाहिए 2x3 की क्यों लिखी, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड कर रखा है एडिशन 3 मैट्रिक्स का। अब ये भी तो कह सकते हो ये भी तो मैट्रिक्स है, कॉन्स्टेंट इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है रिजल्ट, सेम बात यहां पर, ठीक है। तो 3 मैट्रिक्स ऐड कब होंगी, जब उनके ऑर्डर बराबर होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से, ठीक है, तो मतलब 2 इंटू ए लिखोगे आप क्या हो जाएगा, तो सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई करनी है आपने, बेसिक चीज, और यहां पर वैल्यू पुट कर दे, यही मैट्रिक्स यूज कर ले, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन करनी है आपने, ठीक है। 2a 2d फिर है 2b 2c, चलो हम डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर लेते, 2a का ये है, ठीक है ना, और तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो मतलब हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा, 3 मैट्रिक्स को ऐड किस तरीके से करते हैं, अपने अपने एलिमेंट करने हैं, मतलब सबसे पहले 1 1। अब ये 1 1 क्यों है, क्योंकि इसकी पहली रो है पहला कॉलम, हमें पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेना उस मैट्रिक्स का, ठीक है, क्या जाएगा पहली पोजिशन पर, क्या आएगा 2a प्लस का साइन ऐड करना इस वजह से, ठीक है। हाँ, अगर माइनस अलग से रख देते, यहां पर प्लस की जगह माइनस का लिख देना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगी, 6 है, फिर यहां पर 10 आ जाएगा, इस पोजीशन पर अपनी अपनी पोजीशन पर ऐड करना है, ठीक है। तो 2d लिख लें डायरेक्ट रिजल्ट, 2d फिर माइनस 9 और प्लस 35, कैलकुलेशन हो गया यहां पर, माइनस 9 प्लस 35 26 बचेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी है। फिर इस पोजीशन पर इसी तरीके से 2b, ठीक है, और माइनस 6 और प्लस 0, माइनस 6 ही रहेगा। इस पोजीशन पर 2c,
ठीक है ना। और उसके बाद माइनस थ्री प्लस का फाइव तो कितना बचेगा, प्लस का टू, कैलकुलेशन है, फिर टू सी, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर जीरो था जैसे, तो जीरो प्लस टेन, प्लस का टेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टू एफ, ठीक है ना, इस पोजीशन पर, और फिर इसके बाद माइनस ट्वेल्व और प्लस का थर्टी, कितना बचेगा, प्लस का एटीन, कैलकुलेशन है बेसिक इस तरीके से, सही। राइट हैंड साइड में जीरो है, सही है, लेकिन अब ये जीरो नहीं बचेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड पता क्या होगी यहां पर, जैसे ही राइट हैंड साइड क्या होगी, ये जीरो नहीं होगी, ये जीरो एक्चुअल में इस तरीके की हो जाएगी। क्यों होगी ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तीन मैट्रिक्स है, उनका समानायक मैट्रिक्स, तो राइट हैंड साइड में दो चीजें बराबर कब होंगी, जब जैसे लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है टोटल आई मैट्रिक्स, तो राइट हैंड साइड में भी तो मैट्रिक्स होनी चाहिए और बराबर ऑर्डर की, तो ये भी पता होना चाहिए यहां पर ये टू बाई थ्री ऑर्डर की क्यों लिख दी, सही है। इसके बाद आपने बस वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मतलब जैसे ये किस तरीके से हम ए को सिर्फ ए बी सी डी ई एफ लेके चले थे, ये नहीं टू ए कह देना, टू तो यहां पर था, ठीक है ना, हमें केवल ए निकालना, ए मैट्रिक्स निकालनी, वो हो सकता है टू ए निकालना होता तो फिर ये पूरा रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना, हमें केवल ए निकालना है, तो बस मतलब वैल्यू निकालनी है आपने इसके बाद, ठीक है। तो किस तरीके से अब हमें इसके बाद पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, ये चीज भी डिस्कस हुई थी क्या, कि सबसे पहले ऑर्डर बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और उसके बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे अपनी अपनी पोजीशन वाले, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 16 हो जाएगा, कैलकुलेशन है, तो 2a प्लस 16 जीरो के बराबर, अब ये सारे जीरो मतलब सभी की वैल्यू जीरो के साथ इक्वेट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर 2a प्लस 16 को जीरो के बराबर पुट कर देना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सबसे पहले उस साइड जाएगा माइनस 16, फिर डिवाइड बाई टू, कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से, सही है। तो ए को हम ए मैट्रिक्स को सिर्फ ए लेके चले थे, तो ए की वैल्यू आई माइनस 8, अपनी अपनी पोजीशन पर वैल्यू पुट कर देना लास्ट में इस तरीके से, फिर 2d प्लस 26 जीरो के बराबर, डायरेक्ट कैलकुलेशन d कितना आ जाएगा, माइनस 13, ठीक है ना, जिस जितनी फास्ट कैलकुलेशन हो उतने जल्दी आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके बाद यहां पर 2b माइनस 6 जीरो के बराबर, ठीक है, तो b3 आ जाएगा, कैलकुलेट करना है, लिख लेना इसके बाद c2c प्लस 2 जीरो के बराबर, ठीक है, मतलब आगे ये सारी चीजें लिख देना आप, मतलब क्या क्या रिजल्ट आएंगे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये 2/3 का क्या मतलब था, यहां पर दो मैट्रिक्स बराबर क्यों होती है, और मतलब ये कहां से लिख दिया, ठीक है ना, हमें केवल इतना सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बस मतलब यहां पर जो जो वैल्यू आए बाद में लिख देना, ठीक है ना, तो इस तरीके न्यूमेरिकल का रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।